नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा शुरू कर दी गई थी और अब आज से केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। आज सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद सुबह 6:25 पर भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने को मिले। हजारों भक्तों के जयकारों के बीच बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ भगवान के कपाट केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा और विधि विधान के साथ खोले। कपाट खोलने के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सबसे पहले बाबा की पंचमुखी मूर्ति को मंदिर में विराजमान किया गया और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना के बाद बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। आवास से केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ होने से प्रदेश में बाबा केदार के भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। वहीं आने वाली 8 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे और आने वाली 26 अक्टूबर तक ये चार धाम यात्रा चलेगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी सभी तैयारियां दुरुस्त कर रखी है। तो आज से बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं और बाबा केदार के भक्त लगातार केदारनाथ पहुंचने को तैयार बैठे हैं। तो इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।